आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। हमारे एमएलए साहब, एमएलसी साहब से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग अपने भाई बहनों मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जा रहे नौकरी के लिए, ढूंढ ढूंढते उधर जा रहे, यहाँ पर कुछ सीख रहे नहीं। कोई किसी ने कहा तो अरे अच्छा नौकरी मिलेगा, चलो मैं दिलाता हूँ, ले जा रहे, वहाँ छोड़ दे रहे, वहाँ पर कुछ नौकरी मिल रहा है नहीं। वहाँ पर उनको फिर वापस आके घर से घर में शक्ल दिखाने के लिए भी मुश्किल हो जाके वहीं पर गुजार रहे, नहीं तो वहीं पर खुदकुशी कर ले रहे। इसीलिए आज मल्लेपल्ली में जो शुरुआत किए, यहाँ से अपने भाई बहनों जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री में नौकरियों के लिए ढूंढ रहे, तड़प रहे, उन लोगों को यहाँ पर तजुर्बा देंगे, यहाँ पर जो जो सिखाना है सिखाएंगे। इस देश से मिडिल ईस्ट कंट्री को कोई भी जाएगा, सरकार जिम्मेदारी उठाएंगे, उनके नौकरी के लिए भरोसा देंगे, उनको वहाँ पर कुछ भी तकलीफ आए तो तेलंगाना सरकार उनके तरफ से वकालत लेके उनके तरफ से हम लड़ेंगे। क्योंकि आज के तारीख में खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहनों बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री जा रहे, मगर वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहे हम कहाँ है, क्या काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन, खासकर कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें ये लोग जो सोच रहा है, ये तेलंगाना नहीं पूरा हिंदुस्तान में नौकरियों का जरूरत है, स्किल लेबर का जरूरत है। ప్రతి విషయంలో నిర్మాణానికి, భవన నిర్మాణానికి శ్రీకాకుళం పునాతన సాంకేతిక కేంద్రాలుగా అప్గ్రేడ్ చేయడం జరుగుతుంది। గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు వారు సంకల్పించారు। అధికారి శ్రీ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు। అదిగో 4 నూతన భవనాలకు శ్రీకారం చుడుతున్న నామఫలక ఆవిష్కరణ గౌరవనీయులైన అదిగో విద్యార్థిని విద్యార్థులు, ఇదంతా మీకోసమే, మీ భవిష్యత్తు కోసమే। ఈ 4 భవనాల్ని మరి ప్రజలకు అంకితం చేస్తూ, ప్రజలకి ఉపయుక్తమైన నాణ్యమైన ఆచరణాత్మకంగా ఉపయోగపడే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం 4 భవనాల శంకుస్థాపనకి, అప్గ్రేడేషన్కి